हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने ही कुकिंग चैनल पर जिसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी। चिकन हांडी बहुत ही पॉपुलर डिश है, बहुत टेस्टी डिश है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। इसके लिए हमने चार बड़े प्याज ले लिए फ्रेंड्स। चार बड़े प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसको अभी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, जैसे कि हम बिलिस्ता बनाते हैं। हमने तेल गरम कर लिया था और इसमें ये प्याज डाल के हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छे से लाल हो गई है, इसको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। इस कढ़ाई में जो तेल है वो बहुत ज़्यादा है, हम इसे कम कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल को हमने कम कर दिया है। अब इस तेल में हम डालेंगे चार इलायची और एक चम्मच हम डालेंगे ये कुटा हुआ लहसुन, इसको हमने खलबत्ते में कुट लिया है, और इसी के साथ डालेंगे कुटा हुआ अदरक और तीन चार हरी मिर्च हमने कट करके ले ली थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये अदरक लहसुन अब अच्छे से सोटे हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन हमने आधा किलो से ज़्यादा लिया है फ्रेंड्स, और इसमें डाल देंगे चिकन और चिकन को करेंगे अच्छे से फ्राई। देखिए, चिकन को फ्राई करते हुए दो मिनट हो चुके हैं और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फिर से हम इसको एक से दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हम लेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे इसका कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा, और डालेंगे दो चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी वाली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा फ्रेंड। और इसी मसाले के साथ हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने तीन बड़े साइज़ के टमाटर छोटे छोटे काट के ले लिए थे। आप चाहे तो इसमें टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे अच्छी तरीके से हिला लेंगे और ढक के इसको चार से पाँच मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे फ्रेंड्स। मेरा जो खाना बनाने का मोटिव होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा आपको पता है, मैं पहले से बोलते आई हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, और घर के ही इंग्रेडिएंट से मैं अच्छी से अच्छी और टेस्टी डिश बनाना आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। और आशा करती हूँ कि आप लाइक ज़रूर करोगे, आपको पसंद आएगी फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स देखिए, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो इससे मेरा हौसला बुलंद होगा फ्रेंड्स, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5-6 मिनट हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लगभग सभी मसाले भुन चुके हैं, टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अभी फ्रेंड्स हम इसको डालेंगे तली हुई प्याज जो हमने तल के रखी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऐसा हाथ से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी डाल सकते हो, बट थोड़ा क्रश करके डालोगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये डाल देंगे प्याज, अच्छे से हिला देंगे। और हिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से फेंट लिया है दही को, और हम इसमें डाल देंगे दही। इसको वापस अच्छे से हिलाकर और 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं कैसे बने हैं हमारी चिकन हांडी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन हांडी एकदम परफेक्ट है, चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है। देखा ना आपने फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं डाला है, बिना पानी के ये बना है। और इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमने भून कर और थोड़ा सा क्रश करके ले लिया है। और इसी के साथ हम डालेंगे
गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालने में बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड। ये देखिए हमने डाला है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और मैंने लिया है 50 से 60 ग्राम के करीब मलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने घर की मलाई ली है। घर की मलाई को मैंने मिक्सर में अच्छे से फेंट लिया है और हम इसमें डाल देंगे मलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत ये हमारी चिकन हांडी बनके रेडी हो गई है, एकदम होटल जैसी। अब हम बस ये तैयार है फ्रेंड्स, बस इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है, जिससे कसूरी मेथी का, मलाई का सब टेस्ट अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखिए, जब हमने 2 से 3 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन खोला तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ परफेक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, इसका कलर भी परफेक्ट है, और ये बनके एकदम रेडी है हमारी चिकन हांडी। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी यही खासियत है ये डिश की, कि ये बिना पानी के बन जाती है और बहुत ही लज्जतदार बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारी चिकन हांडी। आप इसको प्याज और नींबू के साथ परोसिए, आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।